बिहार के सियासत में इन दिनों दावते इफ्तार खूब चल रही है। आपको बता दें कि आज यानी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर जो है दावते इफ्तार की पार्टी रखी गई है और शाम के वक्त जो है तमाम जो बिहार के दिग्गज नेता हैं वो दावते इफ्तार में पहुंचेंगे और रोजेदारों के साथ जो है रोजा खोलेंगे। उसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और अंतिम रूप है राबड़ी आवास पर। देखिए किस तरीके से, पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी दावते इफ्तार हुई थी और उस वक्त तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थे। इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के सियासत में इन दिनों जो है दावते इफ्तार हो रही है, लेकिन दावते इफ्तार के बहाने 2024 का जो है नव को टटोला जा रहा है। कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोग चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दावते इफ्तार को लेकर पूरी तैयारी जो है राबड़ी आवास पर कर ली गई है। बात करें सुरक्षा के, तो सुरक्षा के भी काफ़ी चाक चौबंद किए गए हैं, मेडी डिरेक्टर रखे गए हैं, मेडी डिरेक्टर यहाँ पर मशीन लगाए गए हैं। जो भी जो रोजेदार हैं या जो भी व्यक्ति हैं यहाँ से गुजरेंगे वो इसी सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए सुरक्षा पूरी जांच के बाद ही अंदर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि शाम के वक्त जो है दावते इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, वहीं जो है पप्पू यादव की भी आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वहीं बिहार के कई दिग्गज जो है यहाँ पर जुटेंगे। वहीं जदयू के तरफ से लगातार दूसरी दावते इफ्तार कल भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी एक अन्य मार्ग में दावते इफ्तार दिया था और वहीं जो है हज भवन में भी दावते इफ्तार हुई। वहीं अब जीतन राम मांझी के आवास पर भी दावते इफ्तार पार्टी होगी। वहीं यहाँ आज राबड़ी आवास पर जो है दावते इफ्तार होगी और तमाम जो रोजेदार हैं वो रोजा खोलने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे और बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ। वहीं आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी रहीं, वो भी मौजूद रहेंगे। तमाम बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव और बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे और रोजेदारों के साथ जो है रोजा खोलने का काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये रोजा जो दावते इफ्तार है कई मायने में 2024 के सियासत को तय करेगा, क्योंकि तमाम दिग्गज जो है वो 2024 को लेकर नव को टटोल रहे हैं और किस तरीके से अंदर पूरी तैयारी की गई है, कैसे बैठाना है, किस तरीके से रोजेदारों को सेवा करना है, किस तरीके से रोजेदारों को जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं 2024 को लेकर सियासत खूब हो रही है और 2024 में जब जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में 2024 को लेकर खास तौर पर तैयारी है एक तरह से कह सकते हैं। और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं केंद्र से राजनीति को लेकर, तो वहीं आपको बता दें एकजुट करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं। वहीं इसको लेकर दावते इफ्तार को लेकर जो है जब तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थे तब भी तेजस्वी यादव ने दावते इफ्तार रखा था और उस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही चलकर जो है इसी रास्ते से वो खुद आए थे और अंदर प्रवेश किए थे और खूब उसके बाद जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो ऐसे में आपको बता दें कि पूरी जो अंतिम रूप है राबड़ी आवास पर दे दी गई है और शाम के 6 बजे जो है दावते इफ्तार रखा गया है और तमाम दिग्गज जो है यहाँ पर आएंगे और सुरक्षा के चाक चौबंद रखी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि दावते इफ्तार को लेकर जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं और तेजस्वी यादव ने रोजेदारों को आमंत्रित भी किया है अपने ट्विटर हैंडल से और जो रोजेदार हैं उन्हें आमंत्रित किया है तेजस्वी यादव ने। तो ऐसे में आपको बता दें कि दावते इफ्तार के बहाने बिहार में सियासत खूब हो रही है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। तो ऐसे में एक समुदाय को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए जो है ये इस तरह की दावते इफ्तार की पार्टी जो है रखी जाती है और ऐसे में जो बिहार में विपक्ष की भूमिका में भी बीजेपी है और उसको लेकर निशाना भी साधती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शाम के वक्त जो है तमाम बिहार के जो दिग्गज हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो यहाँ पर नजर आएंगे और काफ़ी हलचल होगी तेज़ और सियासत भी खूब होगी दावते इफ्तार के बहाने। तो ऐसे में आपको बता दें कि बिहार के दावते इफ्तार के बहाने 2024 की जनता का नफ्स टटोला जा रहा है। मैं सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे दस न्यूज़ के लिए और देखते रहे दस। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।